टावर बनना नहीं चाहिए। आपने गले में क्या पहना हुआ है? आपका क्या नाम है? प्लीत। क्यों आए आप? हमें टावर नहीं चाहिए। बड़े बड़े लड़के। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जिनके गले में तख्तियाँ लगी हुई है, और ये बच्चे यहाँ कुछ मांग लेकर आए हैं। आपको बता दें कि ये सभी बच्चे गोपचार, कातरवाड़ी, रायवाड़ी, पंतार, गोणभाड़, आगाशी आदि गांवों के रहने वाले निवासी हैं, और वहाँ मोबाइल टावर का निर्माण हाल ही समय में किया जा रहा है, उसका विरोध ये लोग लगातार कर रहे हैं। उसी विरोध को लेकर इन्होंने आज वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय में एक तरह का अपना प्रदर्शन किया, और महानगर पालिका अतिरिक्त आयुक्त से भी मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा। मोबाइल टावर को लेकर समय समय पर विरोध होते रहे हैं, ना ही सरकार ने कुछ ऐसी एडवाइजरी कभी जारी की हुई कि मोबाइल टावर का किन एरिया में करना चाहिए, किन एरिया में नहीं लगाना चाहिए, इसके क्या अच्छे परिणाम है या क्या बुरे परिणाम है। कई बार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि फ्रिक्वेंसी की वजह से कई तरह की बीमारियां होती हैं। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर अभी भी कई लोग इस चीज़ का खंडन भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज़ को लेकर काफ़ी संशय है, और उसी संशय के चलते ये विरोध सामने आते हैं। यहाँ बात करें तो ये जो टावर है, पिछले जैसा अभी हमने यहाँ बात की, इन्होंने कुछ लोगों ने बताया कि पिछले कई सालों से इन टावर का काम शुरू था। तो पहले तो टावर बनाने वाले विकासक ने महानगर पालिका जो अथॉरिटी उसकी परमिशन तक नहीं ली थी, और टावर उभारने लगे थे। बाद में जब विरोध हुआ तो उन्होंने बकायदा परमिशन लेकर टावर उभारना चालू किया। अब कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका को ये चाहिए कि लोगों के सुरक्षा की बात मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा, वैज्ञानिक तौर पर कहीं ना कहीं अभी भी संदेह है कि क्या वास्तव में इसके परिणाम और दुष्परिणाम है इस चीज़ को लेकर। लेकिन कम से कम जो लोगों की तकलीफें हैं, दूसरी तकलीफें हैं, उनसे निपटने के लिए इस तरह के कुछ कड़े नियम बनाएं, और ऐसे इस तरह से मनमाने कारोबार करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। आगे वीडियो में सुनिए इन आंदोलनकर्ता के क्या है विचार। अभी के लिए इतना ही। वसई विरार से यूसुफ अली। आपका इलाय। क्यों आए आप यहाँ पे? टावर नहीं, अब अब टावर टावर नहीं बनना चाहिए। कहाँ रहते हो? मैं कातरवाड़ी आगाशी के अंदर। आपका नाम? लियाना। आप क्यों आए यहाँ पर? टावर बनना नहीं चाहिए। आपने गले में क्या पहना हुआ है? आपका क्या नाम है? प्लीत। क्यों आए आप? हमें टावर नहीं चाहिए। मोबाइल टावर गैरेज गोंसाल्विस। आप क्यों आए यहाँ पर? मोबाइल टावर नहीं चाहिए। क्या दिक्कत है आपको? उससे बहुत बीमारी होती है इसलिए, और हमारे घर के पास है इसलिए, और हमको आवश्यक नेट है इसलिए हमको वो नहीं चाहिए। नाम क्या आपका? परेश गोंसाल्विस। परेश जी, आप सभी बच्चों को लेकर यहाँ आए महानगर पालिका में, क्या विषय है, क्या आपकी परेशानी है? हमारी परेशानी यही है कि हमारे एरिया में जो मोबाइल टावर बन रहा है वो इलीगली मोबाइल टावर है पहले ही, और मोबाइल टावर की वजह से बहुत सारी मतलब परिणाम होते हैं, जैसे कि कैंसर, ब्रेन हेमरेज, और एग्रीकल्चर, और हम लोग के इधर एग्रीकल्चर लैंड है, और एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर उसका बहुत सारा परिणाम होता है। इसके लिए हम लोग उसको विरोध करते हैं, और इसके लिए हम लोग सारे बच्चे लेके और हम लोग के गाँव के सब आदमी लोग लेके आयुक्तालय आए। कौन सा एरिया, कौन सा गाँव? हमारा आगाशी, विरार वेस्ट, गोपचारवाड़ी, रायवाड़ी, पंतारवाड़ी, कातरवाड़ी एंड गोनबाटवाड़ी। किस तरह के टावर बांधे जा रहे हैं, कौन सी कंपनी के टावर हैं? जियो का टावर बांधा जा रहा है, 5G का। कौन है बांधने वाला? बांधने वाला का नाम है प्रज्ञेश वासुदेव नाइक, गिरीश वासुदेव नाइक। आपकी जो समस्या है वो अपनी जगह है, लेकिन टावर को बांधने के लिए कुछ सरकारी परमिशन की जरूरत है, क्या उन्होंने वो परमिशन निकाली है? ये टावर कम से कम 4 साल पहले से मतलब कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और हम लोग 4 साल पहले से ही उसको मतलब अपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये टावर मांगता ही नहीं है। पहली दफ़ा ये है कि
हम लोग के इधर पूरी तरह मतलब मोबाइल का नेटवर्क है, और ये मोबाइल टावर ऐसे जगह बना जाए जिधर उसकी ज़रूरत है उधर बना जाए। हम लोग के इधर मोबाइल टावर है और बराबर से नेटवर्क है। मेरा सवाल ये है कि इस टावर को बांधने के लिए उन्होंने कंसर्न अथॉरिटी से महानगरपालिका से परमिशन लिए क्या? पहले तो उन्होंने परमिशन लिए, और पहला एक लेटर हम लोग को 2021 में उन्होंने हम लोग को भी दिया है कि वो टावर बांधने के लिए उनके पास कोई भी परमिशन नहीं है। और अभी 30 सितंबर 2022 में उन महानगरपालिका ने उनको परमिशन दिए, लेकिन उसमें बहुत सारे मतलब रूल्स बोले कि लोकल बॉडी का परमिशन लिया जाए, और लोकल बॉडी का परमिशन उनके पास है नहीं। और ये परमिशन हम लोग को 23/2/2021 में मिला था महानगर पालिका से। आपको विरोध क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण? वही कि मतलब बहुत हम लोग का एग्रीकल्चर लैंड है, और कैंसर और बहुत सारी बीमारियां उसके लिए, और इट्स अ स्लो पॉइजन। मांग क्या है? मांग यही है कि जो मोबाइल टावर बन रहा है वो उसको मतलब अपरूटिंग मतलब उसको बनाया ना जाए, और उसमें हम लोग की आयुक्तालय और प्रशासन से सहायता मिले। क्या नाम? मेरा नाम पीटर अल्मेडा है सर। पीटर जी, क्या इशू है, क्यों आए हैं आप? सर जी, ये 4 साल से हम लोग का सब ये चल रहा है। 4 साल पहले जब प्रज्ञेश ने टावर बनाने का चालू किया था, वो टाइम से हम लोग उसके साथ लड़ रहे हैं टावर ना बांधने के लिए। वो टाइम पे हम लोग ने महानगर पालिका में 2020 में आरटीआई डाला था, वो टाइम पे महानगर पालिका के उपायुक्त थे आशीष पाटिल, उन्होंने हम लोग को लेटर दिया है कि हम लोग ने उन टावर के लिए कोई भी अभी तक परवानगी दिया नहीं है। लेकिन अब भी पता चला है कि शायद 9वें महीने में 22 तारीख को कुछ परमिशन दे दिया है, और फिर से अभी काम चालू करने के लिए, इसीलिए हम लोग उनको पूछने के लिए आए थे। जब परमिशन नहीं था तो फिर अभी परमिशन जब 2020 में जब परमिशन नहीं आपने दिया था, फिर अचानक से परमिशन कैसे मिल गया उनको? आपने अभी अतिरिक्त आयुक्त से मुलाकात की, उनका क्या कहना था? उनका कहना है कि हम लोग ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट से जो प्रोसेस हुआ है वो हिसाब से हम लोग ने अपना परमिशन दे दिया है, लेकिन वो अभी कुछ 8 दिन में हम लोग को फिर बताने वाले कि पूरा परमिशन सही में जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हुआ है कि नहीं, वो हम लोग पूछेंगे और 8 दिन में आप लोग को बताएंगे। अगर नहीं हुआ है तो फिर वो लोग काम स्टॉप करेंगे, ऐसा बोले। अभी पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। आपके आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी देखते हैं, हम लोग अभी गाँव वाले के साथ सब बातचीत करके आगे क्या होता है क्या नहीं, 8 दिन के बाद ही पता चलेगा अभी क्या नहीं क्या नहीं। हो आपके इस आंदोलन बच्चों को विशेष तौर पर लाने के पीछे का? बच्चे लोग अभी 15 दिन पहले हम लोग का गांव में मीटिंग हुआ था, वो टाइम पे बच्चे लोग ने हम लोग को बोला था कि आप अगर अभी महानगर पालिका जाएंगे या कुछ लेटर देने के लिए तो हम लोग को भी साथ में लेके जाइए, इसलिए हम लोग ये छोटे बच्चे को सबको साथ में लेके आए थे। आता आम्ही आयुक्त साहेबांना भेटून आलो, एक 5 मिनिटाची मीटिंग त्यांच्यासोबत झाली, आणि आम्ही त्यांना तो मोबाईल टॉवर खारिज करण्यासाठी त्यांनी परमिशन दिलेली आहे, आणि या आठवड्यामध्ये ते दोन्ही पार्टीची बाजू ऐकून घेऊन त्याप्रमाणे ते लेटर समोरच्या पार्टीला काढणार आहेत, असं त्यांनी ठामपणे आश्वासन आम्हाला दिलेलं आहे। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।